नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नाम ऋषि, राज के हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल बहाली के बारे में। दोस्तों सैनिक स्कूल में जो है नई बहाली आप लोग का निकाला गया है। सैनिक स्कूल गोपालगंज की तरफ से आप लोग का जो यहाँ पे बहाली निकल के आ रही है। इसमें जो है आप लोग का तीन तरीके का यहाँ पे पद रखा गया, यानी कि तीन अलग अलग पदों पे जो है आप लोग का बहाली होने वाला है। अब किन किन पदों पे आप लोग का बहाली होने वाला है और क्या योग्यता आप लोग का रखा गया है, कौन कौन से लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, सब कुछ मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग का योग्यता है वो सिर्फ जो है मेट्रिक पास अगर आप हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ही छोटा आप लोग का जो पद है वो आप लोग यहाँ पे रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा किस तरीके से आप लोग को आवेदन करना है, कहाँ से आप लोग का आवेदन होगा और किस प्रकार से आप लोग का यहाँ पे पोस्ट रखा गया है, सब कुछ मैं आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो। तो सैनिक स्कूल गोपालगंज बहाली के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको जो अपने गूगल में टाइप करना होगा YTDC, आप यहाँ पे जो YTDC देख रहे हैं ये आपको अपने गूगल में टाइप करना है। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे चले आना है। इसका डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहां से भी क्लिक करके आप जो इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। उस पर थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आप लोग को लेटेस्ट अपडेट सरकारी योजना और यहाँ पे लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट जॉब में आप लोग को चेक करना है सैनिक स्कूल वैकेंसी 2022, तो इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का जो यहाँ पे वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। आपको नीचे करना है, यहाँ पे मैंने जो पूरा जानकारी दे रखा है, सबसे पहले आप लोग का इंपोर्टेंट डेट, तो यहाँ पे आप लोग का जो आवेदन है वो आज से यानी कि 2/10/2022 से यानी कि 2 अक्टूबर से आप लोग का आवेदन जो है वो यहाँ पे शुरू किया गया है। और ये जो आप लोग का आवेदन है वो 21/10/2022 तक चलने वाला है, यानी कि 21 अक्टूबर तक आप लोग का जो यहाँ पे आवेदन है वो आप यहाँ पे कर पाइएगा। उसके बाद आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग का एप्लीकेशन फी बताया गया है। यहाँ पे जो आप लोग का एप्लीकेशन फी रहने वाला है दोस्तों, अगर आप जनरल OBC या फिर अदर कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आप लोग को ₹500 यहाँ पे पेमेंट करना होगा। अगर आप SC ST से आते हैं तो ₹400 आप लोग को यहाँ पे देना होगा। पेमेंट का मोड जो है दो है, पहला आप लोग का बैंक ड्राफ्ट और दूसरा आप लोग का ऑनलाइन, दोनों में से किसी माध्यम से आप यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी है उसको भर पाइएगा। नीचे आप लोग का आवेदन प्रक्रिया बताया गया, तो इसका जो आवेदन है वो आप लोग का ऑफलाइन होने वाला है, ऑनलाइन आप लोग का आवेदन नहीं होने वाला है। आवेदन करने के लिए आप लोग यहाँ पे जो एक फॉर्म जारी किया गया उस फॉर्म को आपको डाउनलोड करना होगा, उस फॉर्म को आपको भरना होगा और जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग का बताया गया सारा डॉक्यूमेंट आप लोग को लगाना होगा। सभी पे आप लोग का सिग्नेचर रहेगा, इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो आप लोग का आवेदन भेजने का पता दिया गया है, इस पते पे आप लोग को जो आवेदन है उसको यहाँ पे भेज देना है। उसके बाद आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे पोस्ट आप लोग का बताया गया, तो यहाँ पे लाइब्रेरियन का पद आप लोग का रहने वाला है। यहाँ पे PM PTI कम मेट्रोन का आप यहाँ पे जो पद है वो आप लोग का रहने वाला है, जिसे कि यहाँ पे जो परिचारिका का भी पद यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे जनरल एम्प्लॉय का पद है, जिसे कि यहाँ पे जो आप लोग का आया का पद यहाँ पे बोला गया है। तो तीन प्रकार के पदों पर आप लोग का बहाली होने वाला है। उसके बाद आप नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग का जानकारी दिया गया कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है। आपको सबसे नीचे चले आना है, यहाँ पे इंपोर्टेंट लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा, फॉर फॉर्म डाउनलोड का यहाँ पे ऑप्शन है, क्लिक पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप लोग का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों का ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो यहाँ पे चेक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, क्लिक है पे क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप लोगों का ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइब्रेरियन का जो पद रखा गया है इसमें आप लोगों का ग्रेजुएशन अगर आप किए हुए हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का जो ग्रेजुएशन है वो आप लोगों का लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। उसको दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का सैलरी ₹37,000 यहाँ पे मिलने वाला है, 21 से 35 साल के अगर आप हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसको दोस्तों यहाँ पे PM PTI कम मेट्रोन का यहाँ पे पद रखा गया है, जिन्हें कि यहाँ पे परिचारिका भी बोला गया है। तो यहाँ पे आप लोग का जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक पास है, यानी कि अगर आप यहाँ पे मैट्रिक पास है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप लोग को इंग्लिश आता है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप लोग का जो इंग्लिश बोलना है वो आप लोग को आना चाहिए तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आप लोग का ₹29,500 यहाँ पे रहने वाला है और 18 से 50 साल के कोई भी लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसमें दोस्तों यहाँ पे जनरल एम्प्लॉय जिन्हें के यहाँ पे जो है आया का पद आप लोग का बोला गया है, इसमें आप लोग का जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो आप लोग का मैट्रिक पास यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि अगर आप सिर्फ मैट्रिक पास है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं और कुछ भी ज्यादा आप लोग का क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। यहाँ पे आप लोग का जो सैलरी है वो 21,600 यहाँ पे रहने वाला है और 18 से 50 साल का आप लोग का जो एज लिमिट है वो आप लोग का रखा गया है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग का जो पेमेंट है वो आप दो तरीके से कर सकते हैं, यानी कि आप लोग को पहले जो है आप ड्राफ्ट बनवा सकते हैं बैंक के माध्यम से और वो ड्राफ्ट को आप लोग को जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसी के साथ आप लोग को भेज देना है, या फिर
आपको करना क्या है, आप लोग ऑनलाइन यहाँ पे जो पे कर सकते हैं, जो आप लोग का ऑफिशियल वेबसाइट है यहीं पे आप लोग का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में आप आइएगा तो यहाँ पे आप लोग को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसको दोस्तों यहाँ पे आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट होगा, मान लीजिए कि आप लोग का जो मार्कशीट होता है ये सारा कुछ जो होता है, और बायोडाटा होता है, फोटोग्राफ, ये सारा कुछ आप लोग को जो एक फोटोकॉपी करवा लेना है और सभी पे आप लोग को सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद आप लोग को एक लिफाफे में जो है फॉर्म के साथ आप लोग को वहां पे भेज देना है। इस बात का आप लोग को वहां पे ध्यान रखना है, यहां पे आप लोग को अपना फोटो चिपकाना है, फोटो में कोई भी सिग्नेचर नहीं होगा, नीचे आप लोग को वहां पे सिग्नेचर करना है और इस फॉर्म को आप लोग को वहां पे फिल करना है। थोड़ा सा लंबा आप लोग का फॉर्म है, इस फॉर्म को आप भरकर आप लोग को वहां पे जो है जो दिया गया एड्रेस है उस एड्रेस पे आप लोग को वहां पे भेजना है। यहां पे आप लोग का एड्रेस बताया गया, इस एड्रेस पे आप लोग को भेज देना है और आप लोग का जो आवेदन है वो इसी प्रकार से होने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग वहां पे जो बहाली निकाला गया है। अगर आप मैट्रिक पास है तो आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है, आप एक बार जरूर जो है इस फॉर्म को भरिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, गरीब वीडियो पसंद आया तो लाइक किया इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही शेयर किया इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए धन्यवाद।